हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। दिस इज वीडियो नंबर 22। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 में नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, अभी हमने पिछली वीडियो में जो आपको प्रैक्टिकल बताया था उसमें आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये प्रिपेयर की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लीजिए कहता है कि अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट की पुस्तकों में अल्टर्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी जगह पर नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपकी बुक टीएस गरेवाल एडिशन 2019 में एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। जिनके पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं, नहीं है सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। तो आइए, क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, देखते हैं इसके सॉल्यूशन से हम संबंधित कि सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है। आइए देखिए, क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है वो कि पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल लेजर, और जनरल लेजर को भी वो बांटना नहीं चाहता है, जनरल लेजर को नहीं बांटना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसकी जगह पर नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। ओके, नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट सेम रिवॉल्यूशन अकाउंट की तरह ही है, क्रेडिट साइड के सारे आइटमों को हम पॉजिटिव में शो कराएंगे और डेबिट साइड के सारे आइटमों को नेगेटिव में शो कराएंगे। तो देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट में, कहता है फर्नीचर बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी फर्नीचर उसकी 80% वैल्यू पर ले लिया गया है, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू थी 60,000 रुपीज, वो 80% पर ले लिया, यानी 48,000 ले लिया है। इट मीन्स जो लॉस हुआ है मुझे वो कितने का हुआ है, 12,000 का हुआ लॉस हुआ है। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कि डेप्रिशिएटेड हो गया, डेप्रिशिएटेड बाय फर्नीचर अकाउंट कितना, 12,000 रुपीज, और माइनस में क्योंकि लॉस हो रहा है। स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक आपका 20% से बढ़ गया है, यानी 3 लाख के स्टॉक थे आपके, 20% से बढ़ गए, यानी कि हम कह सकते हैं 60,000 रुपीज, कितना 60,000 रुपीज। सो एप्रिशिएटेड बाय स्टॉक 60,000 रुपीज पॉजिटिव में। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 4 लाख रुपीज हो गई है, जबकि प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 के थे, तो 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, डेप्रिशिएटेड बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपीज नेगेटिव में, क्योंकि लॉस है। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज इंक्रीज बाय 13,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं, इट मीन्स लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, सो लॉस हो रहा है। सो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज इतना आपका 13,000 रुपीज नेगेटिव में। ओके, यहां से आप नेट इफेक्ट निकाल सकते हैं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपकी तो निकाल दीजिए, 20 and 13, 33, 33, 45, 60 minus 45, इट मीन्स 15,000 पॉजिटिव का आपका रिजल्ट निकल के आया है, तो हम कह सकते हैं इसे गेन या प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पर हमको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 15,000 रुपीज। ओके, क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जनरल एंट्री, आपको एक सिंगल जनरल एंट्री पास करनी है केवल,
तो सिंगल जर्नल एंट्री जब हम पास करते हैं तो यहां पर हम विशेष ध्यान देंगे जो आपके प्रॉफिट्स के सारे आइटम है उनको और प्लस लॉस के सारे आइटम है उनको एक साथ नोट करके उनकी एक अमाउंट हम निकाल लेंगे और उस एक अमाउंट को हम एडजस्टेड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए कैसे, हमारे पास रेवोल्यूशन का प्रॉफिट आया है 15,000, वर्किंग नोट में हम इसको शो कराएंगे, इसमें वर्किंग नोट में, तो वर्किंग नोट में प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन अकाउंट कितना 15,000 रुपीज। साथ में अब हमको जनरल रिजल्ट दे रखा 75,000 का, वो भी हमारा पार्टनर्स के लिए जब प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो जनरल रिजर्व अकाउंट कितने का था 75,000 रुपीज। ओके, और कोई बांटने वाला आइटम है ऊपर बैलेंस शीट के, वो हम देखेंगे, कोई भी ऊपर बैलेंस शीट में बांटने वाला आइटम नहीं है, केवल जनरल रिजर्व था जो हमने नोट कर दिया है, असेट्स के में भी कुछ नहीं है। एक आपका गुडविल, गुडविल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं रखी, गुडविल नहीं है, गुडविल आपको गिवन नहीं है, ठीक है, गुडविल होता तो उसको भी मैं यहां पर नोट कर देता, तो केवल आपकी यही है बस और इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो टोटल लगा देंगे, ये हो गई आपकी टोटल 90,000 रुपीज। क्या 90,000 की वैल्यू, अगर लॉस होता तो लॉस को भी लिख करके हम उसको ब्रैकेट में यानी कि नेगेटिव में शो कराते और लेस करके शो करा देते, टोटल एक अमाउंट निकल के आ गई आपकी। इस एक अमाउंट को अब हम एडजस्टेड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एडजस्टेड रेशियो किसका, एक्स वाई एंड जेड। तो एडजस्टेड रेशियो हम निकाल लेते हैं, एक्स इज गेन सैक्रिफाइस शेयर इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला होता है। सो एक्स का ओल्ड शेयर है मेरे पास 5/12, ओके, और एक्स का न्यू शेयर है मेरे पास कितना 4:3:2 में न्यू पार्टनर न्यू शेयर में है ये 4/9, ओके, तो निकाल सकते हैं आप यहां से कितना हो गया 36 एलसीएम लिया, 15 - 1/36 नेगेटिव में आया, वाइज गेन और सैक्रिफाइस शेयर बाई का निकालते हैं कितना आया, ओल्ड बाई का कितना है 4/12 माइनस न्यू कितना है वाई का 3/9, ये मैंने एलसीएम लिया 36, 12 माइनस ये आपका निल आया, क्या आया निल। वैसे ही जेड का निकालते हैं, जेड का गेन सैक्रिफाइस शेयर इक्वल टू ओल्ड है जेड का 3/12 माइनस न्यू है 2/9, 36 एलसीएम लिया 1/36 पॉजिटिव, इट मींस ये आपका गेन आया और ये आपका सैक्रिफाइस आया। ओके, तो 1/36 में 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए एक्सिस शेयर इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाई 1/36, ओके, 36 को आप कैलकुलेट कर लें कितना आया 2500 रुपीज, कितना 2500 रुपीज निकल के आया। और वैसे ही जेड का, क्योंकि वाई का तो निकल रहा है, वाई का तो निकलेगा नहीं, जेड का निकलेगा 1/36, 2500 आया। अब आप इसकी एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है, तो एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या हो गई इसकी, गेन पार्टनर डेबिट होता है, यानी कि एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, वाई का तो निल है, वाई से कोई मतलब नहीं है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 2500 रुपीज एंड 2500 रुपीज। ये आपकी एक जो कह रहा था वो पास आ सिंगल जनरल एंट्री, वो आपने पास कर दी है सिंगल जनरल एंट्री। इसमें सारे प्रॉफिट और सारे लॉस को एक साथ रख करके हम वन अमाउंट निकाल लेते हैं और उसे एक अमाउंट को हम एडजस्टेड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वही हमारी एक एंट्री है सिंगल जनरल एंट्री। ज्यादातर जब हम रेवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, नेट इफेक्ट और रेवोल्यूशन बनाते हैं, तो इसी प्रकार की एंट्री को
अधिकांशतः पास किया जाता है। ओके अगर वो कहता जनरल लेजर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड रेशियो में, तो हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ भी नहीं कहता क्वेश्चन, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर नेट इफेक्ट ऑफ रेशियो आपने बनाया है तो इसको हमेशा ही एडजस्टेड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कभी भी नहीं किया जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट अगर आपने बनाया होता तो वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है, एडजस्टेड में नहीं होता है। तो ये वर्किंग नोट रफ कर देता हूं, उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या चीज? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट हमको बनानी है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए पर्टिकुलर और तीन पार्टनर मेरे पास हैं, तो तीन कॉलम ले लूंगा मैं। पर्टिकुलर और पार्टनर कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। ओके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वही मेथड है। सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। कितना है? 4 लैक्स 3 लैक्स 2 लैक्स 4 लैक्स 3 लैक्स और 2 लैक्स। ओके नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन अकाउंट। से तो हमने बांटा है नहीं ओल्ड रेशियो में, सीधी सीधी एक एंट्री हमने पास कर रखी है, उसी एंट्री को हम इसे पोस्ट कर देंगे। तो देखिए एक्स डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, बाई एक्स इज कैपिटल अकाउंट, बाई एक्स इज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कहां? जेड के कॉलम में 2500 रुपीज। और इधर टू जेड्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट एक्स के कॉलम में 2500 रुपीज। ओके और कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो कि इसमें आने वाला है। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। बैलेंस निकाल दीजिए आप, टू बैलेंस सीडी 4 लैक्स माइनस 2500 रुपीज कितना हो गया वो आप लेस कर लीजिए और लेस करके निकाल दीजिए, कितना आ गया निकल गए आपका 3,98,500। ओके सॉरी 3,97,500। ओके नेक्स्ट 3 लाख का 3 लाख कोई भी आइटम और नहीं है उसमें, उसका 2,02,500। ओके टोटल इक्वल दोनों साइड में और कुछ भी नहीं है, 4 लैक्स 3 लैक्स 2 लैक 2500, 4 लैक्स 3 लैक्स 2 लैक्स 2500। ओके ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब आइए बनाते हैं बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट इसकी काफी इजी है, बैलेंस शीट काफी इजी है इसकी। तो आइए बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट काफी इजी है इसकी नेट इफेक्ट रेवोल्यूशन वाले सिस्टम की। तो देखिए बैलेंस शीट में आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहां पर कोई एडजस्टमेंट्स तो होनी ही नहीं है, क्योंकि अल्टर वैल्यू को आपको रिकॉर्ड करना ही नहीं है। तो बैलेंस शीट को हम कैसे बनाएंगे वो एक बार में ही आपकी समझ में आ जाएगा। ध्यान दें, लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। क्या चीज? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल आपको गिवन है, तीनों पार्टनर्स कैपिटल आप निकाल चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, तो वही कैपिटल आप यहां पर लिखेंगे। हमेशा न्यू कैपिटल ही लिखी जाती है। सो एक्स वाई एंड जेड, एक्स की कितनी आई? 3,97,500, 3 लैक्स एंड 2,02,500। टोटल मिलाकर के आपकी जो होगी वो 9 लैक्स। ओके उसके बाद जो आइटम एज इट इज आपकी इस बैलेंस शीट के अंदर हैं, उनको एज इट इज उतार देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया है अगर आपने नेट इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट बनाया है तो ऐसी सिचुएशन में बैलेंस शीट के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं की जाएंगी, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसको ही एज इट इज उतार दिया जाएगा। तो देखिए सन्ड्री का एड्रेस 40,000 का है, उसको एज इट इज उतार देंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स।
कितने का है 40,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 ओके। जनरल रिजर्व आपने बांटा नहीं है ओल्ड रेशियो में, इसलिए इसमें आया है। जनरल रिजर्व आपने केवल एडजस्टेड रेशियो में बांटा है, इसलिए जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा। सो जनरल रिजर्व 75,000 रुपीज ओके। असेट साइड में कैश एट बैंक 40,000, सन्ड्री डेटर्स 2,10,000, स्टॉक 3 lakhs, फर्नीचर 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 रुपीज। बस यही बैलेंस शीट के आइटम है, टोटल लगा देंगे, टोटल वही 10,30,000 रुपीज। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये है नेट इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। नेट इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट में आपका सिंपल सा मेथड है कि जब आपको अल्टर्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी होती है पुस्तकों में, तो आप नेट इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, और ऐसी कंडीशन में आप एडजस्टेड रेशियो में आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करके सिंगल एंट्री पास कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनता हुआ आया है वैसे ही बनाएंगे। बैलेंस शीट में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है, काफी इजी बैलेंस शीट होती है इसकी। सारे आइटमों को क्वेश्चन वाले को एडजस्टेड उतार देना है, केवल कैपिटल चेंज होती है जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, केवल वही कैपिटल यहां पर चेंज होनी है। बाकी कोई भी आइटम आप देख रहे होंगे कोई भी आइटम चेंज नहीं हो रहा है, टोटल इक्वल बैलेंस शीट का। तो यही हमारा क्वेश्चन था, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपका इस टॉपिक में केवल एक टॉपिक रह गया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को समझाएंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से इसका रिवीजन करें ओके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।